कुछ विलंब के साथ हम लोग अपना कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पिछले 10 क्लास में लगभग एल्डिहाइड और कीटोन पर चर्चा कर चुके हैं, तो आज डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी उसी चैप्टर में डाला हुआ है जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन है, लेकिन अलग सेपरेट सेक्शन में डाला गया है। तो आज हम लोग पहला काम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है कार्बोक्सिलिक एसिड को समझना और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानना, मतलब इंट्रोडक्शन के साथ नोमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर का बात किए हुए। तो देखो आप देखो कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा ग्रुप मिले, सबको पता है कि ये जो COOH ग्रुप है इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। मतलब कार्बन के साथ अगर कभी भी COOH ग्रुप को जुड़ते हैं तो ये जो ग्रुप कहलाता है इसी ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबको पता होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फॉर्म है यानी कि ये स्ट्रक्चर कार्बोनाइल है। अब इस कार्बोनाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ। तो सीधा भाषा में हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बोनाइल बॉन्डेड विथ OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर आपके सामने सिंपल मामला में देखा जाए तो दो ग्रुप आके जुड़ रहा है, एक तरफ कार्बोनाइल दिख रहा है दूसरे तरफ हाइड्रोक्सिल दिख रहा है। अब अगर इसके कार्बोक्सिलिक नाम पर देखिएगा तो ये दोनों के मिलने से ही बना हुआ है। सिंपल आप इसको गौर करो कि आप इस ग्रुप को हमेशा से कार्बोनाइल बोलते हैं, सॉरी ये कार्बोनाइल है और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, यही दो काम हो रहा। तो ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, इस दो ग्रुप पर गौर कीजिए कि इतना दूर जो आपको CO ग्रुप दिख रहा है इसका नाम आप क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल, और ये जो OH दिख रहा है इसको आप लिखते हैं हाइड्रोक्सिल। तो अब इसी दोनों को मिला के एक नया ग्रुप तैयार कर दिया गया जिसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक यानी कि कार्बोक्सिल। आप देखिए यहां पर क्या करते हैं, तो NYL यहां से और ये हाइड्रोक्सी को आप बाहर कर दो तो यहां बच क्या रहा है, इस जगह पर बचता है कार्बोक्सिल और ये कार्बोक्सिल ही क्या कहला रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहला रहा है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है जब इसको हम कार्बन के साथ जोड़ते हैं। तो ओवरऑल हमारा पहला सेक्शन है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो आपको पता रखना है कि कभी भी COOH ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि कार्बोक्सिल जिसको बोलते हैं उसका नोमेनक्लेचर यानी कि इसका नाम रखा गया इस दो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल के मिश्रण से, इसके कम्बिनेशन से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिल से कार्बो ग्रुप लिए और हाइड्रोक्सिल से XY यानी सील ग्रुप लिए, दोनों को मिला के हम लोग बना दिए कार्बोक्सिल। तो ये तो पहला सेक्शन था कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप में हम पहला काम करते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और स्ट्रक्चर के साथ हम नेक्स्ट चलेंगे और बात करेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा अच्छा कंपाउंड है इसमें। तो चलिए इसको मिटाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसमें स्क्रीनशॉट लेने का क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक पर हम बात करें, देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक में इससे पहले हम आप लोग का थोड़ा नाम पढ़ लें। देखो यहां पर OH ग्रुप एक तो आप जानते हैं कि हमेशा एसिडिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि आप अगर अल्कोहल चैप्टर पढ़े होंगे अनुभव तो आपको पता होगा कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। तो आप कन्फर्म रहिए कि जहाँ पर, तो आप देखिएगा इसमें जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आराम से H के निकलने का गुंजाइश होता है और जहाँ भी हाइड्रोजन रिलीज होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। और अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जब अल्कोहल था तो वहाँ पर आप एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहे थे, तो वही काम यहाँ भी होता है। बाकी हम स्ट्रक्चर में इस बात को समझेंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं।
अब इस स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, तो सबसे पहले अगर आप इस कार्बन पर ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पर, तो आपको ये दिखेगा कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है। 1, 2, 3 सिग्मा आपको डायरेक्टली जुड़ा हुआ मिल रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड होता है, सॉरी ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कार्बन यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ये प्लैनर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही प्लेन में पाया जाता है। अब दूसरा चले कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम आगे बात करें इसके स्ट्रक्चर में, तो आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन में आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव। आप इतना बार ये कर चुके हैं कि इस पर कोई ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है। अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा तैयार होता है। ये कार्बन के साथ ओ माइनस होगा, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव होगा, ओ और एच होगा। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी था, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था। अब इसी जगह पर आप कार्बोक्सिलिक और कार्बोनाइल ग्रुप को थोड़ा कंपेरिजन करके देखिएगा। आप देखिए कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप लिखे हैं, यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्वेश्चन आता है इस पर। अब इस दोनों में गौर कीजिए कि इस जगह पर भी जब हम ऑक्सीजन इसको खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर रहा है, यहाँ भी ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। मतलब कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक दोनों इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि बताइए कि कार्बोक्सिलिक और कार्बोनाइल में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उसका होता है, मतलब पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो देखा जाता है कि कार्बोनाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। अब क्यों है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पहला स्टेप में यहाँ पर भी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अब ये क्या करता है, तो ये आराम से रेजोनेंस में भाग लेगा, और देखिए इसका रेजोनेंस क्या करता है कि अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर दिख रहा, लेकिन कार्बन के बगल में ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ बैठा हुआ, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से इस कार्बन को दे देगा। जैसे देगा तो आप देखिए स्ट्रक्चर ऐसा बन जा रहा, और ये कार्बन आप पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ लोन पेयर और इस जगह पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा। तो ये देखने से लग रहा है कि पहला स्टेप में जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, लेकिन तुरंत ही उसको बगल से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे इस पर क्रिएट होने वाला पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो गया। मतलब पहला केस में अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो जस्ट सेकेंड स्टेप में कार्बन बगल से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर यहाँ पर इसका पेट खाली था, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तब तो ये इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन तुरंत बगल से इसको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके पास जो कमी था वो उसकी पूर्ति हो चुकी है। जबकि आप कार्बोनाइल के केस में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। कार्बोनाइल में कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना के रखा हुआ है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अभी ये अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि इसमें अट्रैक्शन का पावर उतना नहीं है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक और कार्बोनाइल दोनों एक जगह हम दिखा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक और कार्बोनाइल में ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप क्लियरली दिख रहे हैं कि कार्बोनाइल इज मोर पावरफुल, मोर स्ट्रेंथफुल इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लेस इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका आंसर यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन रेजोनेंस में भाग ले रहा है, और इस रेजोनेंस के कारण इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाता है। अगर ये सेक्शन समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिए यस का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बाद इंट्रोडक्शन के साथ ही हम लोग चलेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो चलिए, आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज कुछ कुछ नव आगंतुक, कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, मतलब पुराने हैं लेकिन काफ़ी दिन बाद दिख रहे हैं। चलिए जैद साहब, आपका स्वागत है, आप बहुत दिन बाद नजर आए। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक में पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कौन है। बार बार पूछा गया है, मतलब बार बार हम भी पूछेंगे। अब इधर या उधर लैंग्वेज चेंज करके इसमें क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, मतलब नूनू जन्म ले लिया, नूनू का नामकरण होने वाला। तो देखिए, आप बचपन से, हजारों साल से,
बस ऐसे ही बोल रहे हजारों साल से। काफ़ी दिन से आप लोग जान रहे हैं कि हम जब भी कंपाउंड पढ़ते हैं, नॉमिनक्लेचर करते हैं, तो दो तरह का नाम पढ़ते हैं, एक कॉमन नेम, दूसरा आईपेक नेम। इस चैप्टर में आप देखिएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिएगा, दोनों का पैरेलल इंपॉर्टेंस है। मतलब जितना इंपॉर्टेंस आईपेक नेम का होगा उतना ही कॉमन नेम का होगा, तो दोनों हम साथ साथ लेके चलते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर काम करते हैं नॉमिनक्लेचर पर। फिर से संडे को आप लोग का टेस्ट होने वाला है, टेस्ट का सिलेबस आपको मिल चुका है, टेस्ट का तैयारी आप लोग स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए। चलिए तो हम लोग बात करें नॉमिनक्लेचर का। ये चलिए चलिए करके हम आपके फिजिक्स वाले सर का तो आदत कम कर दिए हैं, लेकिन उनके बदले आदत हमको होते जा रहा। तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं नॉमिनक्लेचर। अब नॉमिनक्लेचर का दो पार्ट है, आप भी पता है, हमको भी पता है। एक को हम लोग लिखते हैं आईपेक नेम और दूसरा लिखते हैं कॉमन नेम। हम साथ साथ चलेंगे, बोले हम साथ साथ चलेंगे तो लग रहा था हम साथ साथ है, एक मूवी आया था। तो देखो आईपेक और कॉमन नेम साथ साथ होगा। तो सबसे पहला आप गौर कीजिएगा कि जब हम आईपेक नेम लिखते हैं, तो आईपेक नेम लिखने के दौरान आपके पास जैसे कोई भी अल्केन होता है, तो इस अल्केन के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ से ई को हटाते हैं और इसके जगह ओइक एसिड का सफिक्स जोड़ देते हैं। मतलब आपको ऐड क्या करना है, तो आपको याद रखना है कि हम इस जगह पर ओइक एसिड सफिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड जितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा और सी डबल ओ एच ग्रुप आपको दिखेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल ओइक एसिड को ऐड कर देना। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, आपके पास एक कंपाउंड है ये सी ओ ओ एच, ये तो कॉमन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही है। अब इसमें देखो एक कार्बन आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो कार्बन अगर एक है तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पूरा करने के लिए केवल हम हाइड्रोजन डालेंगे। अब ये पहला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर ये एक कार्बन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या होता है, तो मीथेन होता है, एक कार्बन को हम यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि सी डबल ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम ई को यहाँ से हटा दो और ई के जगह आप ओइक एसिड लगा दो इसमें। तो अब ये इसका नाम गौर कीजिए कि ये क्या बन जा रहा है, तो मीथेनोइक एसिड। मतलब ये सी एच सी डबल ओ एच का नाम क्या हो रहा है, मीथेनोइक एसिड। जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम कहलाता है फॉर्मिक एसिड। सब बच्चे इसके बारे में जानते होंगे कि ये फॉर्मिक एसिड जो है, क्लास टेंथ में भी आप पढ़े होंगे कि ये जो एंट होता है, चींटी होता है, उसके डंक में पाया जाता है और वहीं से इसको स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट भी किया गया था। ये हल्का पॉइजनस नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप जब देखते होंगे तो स्निचिंग यानी कि खुजलाहट आप में आता होगा। अब अगर इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे कंपाउंड पर गौर करें, तो अब देखो कि इसमें बार बार बोल रहे हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप को तो कॉमन रखिएगा, तो सी डबल ओ एच तो कॉमन है। अब इसके बगल में हम दूसरा कार्बन ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी डबल ओ एच। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, तो दो कार्बन है। अब दो कार्बन को हम क्या लिखते हैं, तो दो कार्बन लिखा जाता है इथेन, आपको पता है, और यहाँ पर ये सी डबल ओ एच है। अब सी डबल ओ एच होने के कारण हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे यहाँ से, और ई को हटाने पर यहाँ पर हम जोड़ देंगे ओइक एसिड। मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। काफ़ी आसान है, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है। जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो फॉर्मिक एसिड के बाद ये हो जाता है एसेटिक एसिड। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बार बार आप इस कंपाउंड के बारे में पढ़े होंगे कि इसको एसेटिक एसिड बोला जाता है, सी एच थ्री सी डबल ओ एच बोला जाता है, वही आपको दिख रहा है। अगर मान लो हम तीसरा स्ट्रक्चर लिखें, तो तीसरा स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सी एच थ्री यहाँ सी एच टू करते हैं, इस जगह पर सी ओ ओ एच लिखते हैं। अब देखो ये तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम ये दोनों आपको याद रखना जरूरी है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें एक साथ दो दो सी डबल ओ एच रहता है, हम उस पर चर्चा करेंगे, वो कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन साथ ही आप याद रखिएगा कि इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है और एलिफैटिक कंपाउंड भी होता है। तो एलिफैटिक में यानी कि बेंजीन कंटेनिंग बेंजीन डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा वो भी इसमें पाया जाएगा, उसका भी हम अलग से नॉमिनक्लेचर करते हैं। तो पहले नॉमिनक्लेचर में आज आप इतना जाने कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमिनक्लेचर होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमिनक्लेचर में आईपेक और कॉमन नेम दोनों का हम चर्चा करते हैं, जिसमें आईपेक नेम के दौरान हम लोग ओइक एसिड सफिक्स का यूज़ करते हैं। ओइक एसिड सफिक्स यूज़ करने के दौरान आप देखें कि अगर एक कार्बन रहा तो मीथेन से मीथेनोइक एसिड होगा, अगर दो कार्बन रहा तो इथेन से इथेनोइक एसिड होगा। कॉमन नेम में पहले को हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, दूसरे को हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। ये काफ़ी आसान था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, तो
उसमें एक साथ दो दो सी डबल एच ग्रुप रहेगा। तो हम चलते हैं एक ऐसे कंपाउंड का चर्चा करते हैं जहां पर एक साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। उसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, आईपिक नेम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिटाते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी कोई परेशानी का मामला है नहीं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखो कुछ स्पेशल कंपाउंड का हम चर्चा कर रहे हैं जिसके पास दो सी डबल एच ग्रुप एक साथ रहेगा। तो पहला ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड पर आप गौर कीजिए। आपके पास ये कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी सी डबल एच, यहां भी सी डबल एच है और दोनों कार्बन का चार चार बॉन्ड पूरा है। ये हम ऐसा लिखे हैं, सिंपल इसको इस फॉर्म में लिख दिया जाता है, सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच। अब इस कंपाउंड पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर आप एक और दो, अगर आप काउंटिंग कीजिएगा तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पर है, दूसरा कार्बोक्सिलिक यहाँ पर। तो जब हम इसका आईपेक नेम लिखेंगे तो आईपेक नेम लिखने के दौरान टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आपको दिख रहा है, तो दो दिख रहा है। तो दो कार्बन के लिए आप यूज करते हैं इथेन का, सबको पता। अब इथेन के बाद आप करते क्या है कि आप नंबर लिख दीजिए 1 2, मतलब कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एक और दो पड़ा। और ये एक और दो पड़ा आपको दिख क्या रहा है, तो ओइक एसिड दिख रहा है, मतलब इस कंपाउंड का नाम होगा इथेन 1 2 ओइक डाई ओइक एसिड, सॉरी दो है तो 1 2 डाई ओइक एसिड। अब हम फिर से इसको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉमन नेम याद रखना पड़ता है, कॉमन नेम याद जरूरी है। तो फिर हम इसको मिटा के इधर थोड़ा लिख दें क्योंकि उधर हमको लिखना है, तो इसको मिटा के इधर छोटा से लिख दें। मतलब बोला जा रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिस पर एक साथ दो सी डबल ओ एच ग्रुप रहे, ऐसा दिख रहा है आपको। इस दो एक साथ लिखने पर आप देख रहे हैं कि दो कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, तो लिख दिया गया इथेन। अब इथेन के साथ इस पोजीशन को लिखा जाता है कि कार्बोक्सिलिक कहाँ कहाँ पर है, तो एक कार्बोक्सिलिक पहला नंबर कार्बन पर है, दूसरा कार्बोक्सिलिक सेकेंड नंबर कार्बन पर है। तो इथेन के बाद हम लिखते हैं 1 2, यानी कि इसके पोजीशन को, और इसके पोजीशन पर हम कितना ओइक है, तो दो ओइक है, मतलब लिख दिए डाई ओइक एसिड। तो ये तो इसका आईपेक नेम हुआ। जब हम इसके कॉमन नेम का चर्चा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो इस कॉमन नेम का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड को ही हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। अब इस कंपाउंड को चेंज करो, ये पहला कंपाउंड था, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं सी डबल ओ एच, यहाँ लिखो सी एस टू और यहाँ सी डबल ओ एच। अब गौर कीजिए, इसमें भी वही काम हो रहा है, आप एक कंपाउंड में दो सी डबल ओ एच देख रहे हैं। अब दो सी डबल ओ एच देख रहे हैं तो आप काउंटिंग या तो ऊपर से करो या नीचे से करो, बात बराबर है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, इसको पहला कार्बन बोले, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो रहा है, 3, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक नंबर पर दिख रहा है और 3 नंबर पर दिख रहा है। अब 3 कार्बन को हम बोलते क्या हैं, तो प्रोपेन। तो सबसे पहले आप लिख के रख लीजिए प्रोपेन। अब प्रोपेन लिखने के बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड के पोजीशन को चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ है, तो एक पोजीशन नंबर 1 पर है, दूसरा पोजीशन नंबर 3 पर है। तो हम इसका नाम लिखते हैं प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड, मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या हो रहा है, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। किसी को अगर परेशानी होगा तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट चेक कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि बहुत आसान काम था कि जितना कार्बन है उस कार्बन को पहले काउंट कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ है उसको आप ध्यान दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 कार्बन पर है और नंबर 3 कार्बन पर है, तो हम लिख रहे हैं प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। ये तो आईपेक नेम है, इसका कॉमन नेम देखा जाता है कि ये होता है मेलेनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या लिख रहे हैं, तो हम मेलेनिक एसिड इसका नाम लिख रहे हैं। मतलब पहला कंपाउंड जिसमें एक और दो पर, यानी कि लगातार कंटिन्यू पहला दूसरा पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा तो नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड, 1 3 पर अगर आ जाए तो नाम हो जाएगा मेलेनिक एसिड। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में थोड़ा और चेंजिंग करें, यानी कि और बढ़ाएं। अब मान लो हम तीसरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यानी कि तीसरा कंपाउंड ले रहे हैं। अब तीसरा कंपाउंड में हम यहाँ पर लिख दिए सी डबल ओ एच। अब देखो इस कंपाउंड से ही समझो कि यहाँ पर एक सी एस टू था, 1 और 3 पर कार्बोक्सिलिक था,
तो इस बार क्या होना चाहिए, 1-3 के जगह 1-4 पाना चाहिए, मतलब एक और बढ़ा रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी एस टू को होल टू कर दें और यहाँ पर सी डबल ओ एच कर दें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए गौर कीजिए कि हम बता क्या रहे, हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा के जो आपके पास प्रॉपर स्पेस रहेगा तो आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ कर रहे हैं और मेलेनिक एसिड को थोड़ा इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको पूरा मिटा के हम जगह बना ले पा ले। इस जगह पर इसका नाम हो गया इथेन, जो पहले था वही लिख रहे हैं, इथेन वन, सॉरी प्रोपेन होगा ना, ये लिखा जा रहा है प्रोपेन 1-3 डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हम लिखे थे मेलेनिक एसिड। अब देखो पोजीशन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं, बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम करते क्या है कि ये जो सी डबल ओ एच है, ये पहला पोजीशन पढ़ा, अब इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये सी एस टू है और सी डबल ओ एच है, मतलब 1 और 4 पर सी डबल ओ एच कर रहा है। अब अगर हम चाहें तो ये जो कंपाउंड था जहाँ पर 1 और 4 है, तो 1 और 4 को अपने पोजीशन पर आने देते हैं। हम करते क्या है कि ये सी एस टू दो बार है, तो इसको अगर हम होल टू कर दें तो मेरा काम चल जाएगा। मतलब ऐसा करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये सी डबल ओ एच है, यहाँ सी एस टू होल टू है और यहाँ सी डबल ओ एच। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन और यहाँ एक कार्बन, टोटल कार्बन का संख्या कितना हुआ, तो 4 हुआ। तो हम इसको लिखेंगे 1 और 4। अब टोटल 4 कार्बन है, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1-4 डाइओइक एसिड, मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन 1-4 डाइओइक एसिड। अब इस ब्यूटेन 1-4 डाइओइक एसिड, ये इसका आईपेक नेम है, तो जब हम कॉमन नेम का बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या हो रहा है, तो सक्सिनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आता है कि सक्सिनिक एसिड क्या है। आप इसके मॉलिकुलर फार्मूला को भी याद कर सकते हैं खुद से लिख के, कि मॉलिकुलर फार्मूला कितना होगा, तो कार्बन टोटल 4 हो रहा है, मतलब ये C4 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा, तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 और यहाँ, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 होगा। और ऑक्सीजन आपको यहाँ 2, यहाँ, यानी कि C4 है, H4 है, O4 है, जिसको हम सक्सिनिक एसिड बोल रहे हैं। अब सक्सिनिक एसिड के बाद अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड पर चर्चा करें, देखिए ये बहुत ही आसान है, अगर आप आराम से याद करना चाहें तो हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं, 1-2 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, 1-3 कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तो 1-4 कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है उसका नाम क्या होने वाला है, तो 1-5 होने वाला है। तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं सी डबल ओ एच। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक सी डबल ओ एच था, सॉरी यहाँ पर बीच में सी एस टू नहीं था, यहाँ एक सी एस टू डाले, इसमें आप 2 CH2 डाले, तो इस जगह पर आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं CH2 3 CH2, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये आप देख रहे हैं नंबर 1 कार्बन, यहाँ पर नंबर 3, यहाँ पर 5, तो टोटल 1 और 3 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये 1 आएगा और ये 5 आ जाएगा। तो अब 1 और 5 के लिए इसका जब हम नाम लिखते हैं तो ये हो जाएगा पेंटेन 1-5 डाइओइक एसिड। काफ़ी आसान है, मतलब इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 1-5 डाइओइक एसिड। लेकिन ये इसका आईपेक नेम है जो कि रूल पर चल रहा है। लेकिन कॉमन नेम का अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम हम याद करते हैं ग्लूटारिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम हो रहा है जिसका नाम हो गया ग्लूटारिक एसिड। तो पहला नाम है ऑक्सैलिक एसिड, पहला का नाम क्या था, इसी जगह लिख दे रहे हैं, ये अलग दिख रहा है। तो पहला नाम था ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड के बाद सेकेंड वन आया मेलेनिक एसिड, मेलेनिक एसिड के बाद आ रहा है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद आ रहा है ग्लूटारिक एसिड। अब जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 1 और 5 तक, तो अगला हम चलेंगे 1-6 में, फिर चलेंगे 1-7 में। NCERT आपका 1-6 1-7 तक ही देता है, तो हम लोग उतना ही चर्चा करेंगे जितना हमारे सिलेबस में होगा, क्योंकि आप पूछेगा सर 1-8 कहाँ गया, 1-9 कहाँ गया, 1-10 कहाँ गया। तो देखो अब हम अगर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ जो भी लिख रहे हैं ग्लूटारिक एसिड को गम डेट एसिड लिख रहा है, सही लिख रहा है भाई, अच्छा ग्लू को तुम गम बना दिया, तो चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम 1-5 चले थे, अब नेक्स्ट हम चलते हैं 1-6 के तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं सी डबल ओ एच, यहाँ आपके पास CH2 3 है, तो हम इस बार क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे CH2 4, यहाँ सी डबल ओ एच।
तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, यहाँ वन है, इस जगह पर फोर है, मतलब टोटल फाइव, और यहाँ वन आ गया सिक्स, तो ये आ गया वन एंड सिक्स। तो नाम क्या होगा, तो नाम इसका बनेगा हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम होता है एडीपी के एसिड। सबका कॉमन नेम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में कॉमन नेम कंपलसरी है, याद रखना ही आपको पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट इस चैप्टर में है, यहाँ पर इस फॉर्म में इसका नाम हम लिख रहे हैं, और फिर सबका ट्रिक एक बार हम समझा देंगे कि आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखो आप लास्ट में हम लिख रहे हैं, ये है सी डबल ओ एच, यहाँ पर लिखते हैं सी एच टू फाइव, और यहाँ सी डबल ओ एच। तो इसका एक साथ नाम अगर हम लिखेंगे तो ये वन होगा और ये सेवन होगा, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन 17 डाइओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है पीमेलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में इतना दिया हुआ है, आपको इतना पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एक नॉमेनक्लेचर को समझ रहे हैं। अभी तक अगर किसी को परेशानी है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के अनुसार इसको रिपीट करेंगे, और नहीं तो हम इसको कॉमन नेम को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप कॉमन नेम को आराम से याद कर ले, क्योंकि आपके लिए रहेगा क्या ऑक्सैलिक एसिड या मेलेनिक एसिड या सक्सिनिक एसिड, पीमेलिक एडीसी, किसी में भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑक्सैलिक की जगह मेलेनिक कर सकते हो, मेलेनिक की जगह पीमेलिक कर सकते हो या एडिपिक कर सकते हो। तो इसके लिए एक हम आपको सिंपल ट्रिक देंगे जिससे को आपको याद रहेगा। उस ट्रिक में आपको करना केवल इतना ही रहेगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि किस लेटर से कौन सा होता है। तो आप एक से दो बार प्रैक्टिस करो कि ऑक्सैलिक होता है, पीमेलिक होता है, एडिपिक होता है, मेलेनिक होता है, फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर हम नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, आज का सेक्शन ऐसे भी काफ़ी आसान है। आज हम लोग प्रिपरेशन पर चर्चा करेंगे भी नहीं, नेक्स्ट डे से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका हम सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप आराम से टोटल कंपाउंड का कॉमन नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमन नेम ही आपको दिक्कत करेगा। आईपेक नेम ऐसे भी आसान है, आप आराम से बाय रूल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके आईपेक नेम पर चर्चा करते हैं, सॉरी कॉमन नेम पर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका कॉमन नेम को हम कैसे याद कर सकते हैं आसान भाषा में। तो कॉमन नेम के लिए आपके पास क्या क्या दिखा था, कॉमन नेम आपको याद किसका किसका करना है, तो एक याद करना है आपको सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच का मतलब जहाँ पर एक और दो पर रहेगा। उसके बाद आपको किसका याद करना है, तो सी डबल ओ एच था, साथ में सी एस टू था और सी डबल ओ एच था, इसको हम हॉरिजॉन्टल लिखते चल रहे हैं। उसके बाद किसका नाम आपको लिखना है, तो सी डबल ओ एच है, यहाँ सी एस टू होल टू है और सी डबल ओ एच है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चलें जिसमें सी डबल ओ एच के साथ सी एच टू होल थ्री है और सी डबल ओ एच है। नेक्स्ट हम चलें सी डबल ओ एच है, यहाँ सी एच टू होल फोर है, सी डबल ओ एच है। उसके बाद हम चले थे सी डबल ओ एच है, यहाँ सी एच टू फाइव है और ये सी डबल ओ एच। हम नाम लिखे थे ऑक्सैलिक एसिड, मेलेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और क्या था पीमेलिक एसिड, यही नाम आपके पास था। अब देखिए इसका नाम को अगर आप सो कॉमन लिखे तो ये ऑक्सैलिक एसिड ओ से है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मेलेनिक एसिड है दैट मीन्स एम है, मेलेनिक एसिड के बाद अगला हो रहा है सक्सेनिक एसिड दैट मीन्स एस है, सक्सेनिक के बाद है ग्लूटारिक एसिड, इसको हम क्या लिखते हैं जी से लिख रहे हैं, ग्लूटारिक एसिड के बाद नेक्स्ट आ रहा है एडिपिक एसिड यानी कि ए, और सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है पीमेलिक एसिड दैट मीन्स पी। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड, मेलेनिक एसिड, नेक्स्ट है सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड पीमेलिक एसिड, यही है। अब देखो इसको ट्रिक आसान से याद करने के लिए, ये वन वन है, ये वन टू है, वन थ्री है, वन फोर है, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन है। आप इसको इस फॉर्म में याद कर लो कि ओ माय सन गो एंड प्ले। अब देखिए इसका जो पहला लेटर है उसके आधार पर आप याद कर लीजिए। अब किसका बेटा खेलने जा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन ये सिंपल मामला है कि आप अगर कभी तंग करते होंगे तो आपके पापा ये बात पक्का बोलेंगे कि जा बाहर जाके खेलो। देखो वही हो रहा है, ओ माय सन गो एंड प्ले, मतलब ऑक्सैलिक एसिड, मेलेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एंड पीमेलिक एसिड। इस फॉर्म में आप आसानी से कॉमन नेम को याद कर सकते हैं।
कभी भी आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको केवल याद रखना है कि पहला ओ जो है इसमें 1 2 है, अगर यहाँ पर 1 2 है तो ये 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 1 7 है। इसके आराम से आप इस कॉमन नेम को याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन नेम जो होता है बार बार आपको दिक्कत करेगा। नाम लिखने के दौरान आप इधर से इधर हो सकते हैं, कहाँ पर ग्लूटारिक होगा कहाँ पर एडीपिक होगा, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस कन्फ्यूज़न से दूर करने के लिए आप आसानी से इस तरीका से पूरा का पूरा कॉमन नेम को बाय सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सी डब्ल्यू एच ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ एलिफेटिक कंपाउंड का हम टोटल का टोटल नोमेनक्लेचर पढ़ें। अब एक ही दो कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक ग्रुप में है, उस एरोमेटिक के लिए हम लोग बात करते हैं कि उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, और फिर नोमेनक्लेचर को एक बार आपके डाउट को लेते हुए हम क्लास को ऑफ कर देंगे। आरजू तुमको भगा देते थे मार के, ये तो गलत बात है यार, इस पर तो केस होना चाहिए। अनुभव बता रहे हैं कि नहीं सर, तंग करने पर पापा से खाली मार मिलता था। देखो खाली मार मिलता था तो खाली नहीं, उसमें कुछ मिला के मिलता तो अच्छा रहता, मार मतलब तो समझता राइस जूस होता है। तो आप बोल रहे हैं कि खाली मार मिलता था, तो खाली कैसे मिलेगा, वो भर के तो मिलेगा नहीं, ये भी बात सही है। चलो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, ये भी खेल ख़त्म, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। और कोई कन्फ्यूज़न है क्या? सरस्वती जी को आप क्यों बुला रहे हैं अक्षय बाबू? देखो कॉमन नेम का कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ अभिज्ञान उतना लिखा गया है। और इसके अलावा आप धीरे धीरे जब हम अगले सेक्शन में यानी कि नेक्स्ट क्लास से अगर हम कुछ क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन के दौरान भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक लिमिट ही होता है कि उतना आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हजारों कंपाउंड है सबका कॉमन नेम आप याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए कुछ ही जो आपके एनसीईआरटी में दिया उस कॉमन नेम को यहाँ लिख दिया गया। इसके अलावा हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे, ड्यूरिंग टेस्ट या ड्यूरिंग डाउट सेशन आप लोग को बहुत सारा कंपाउंड नया मिल जाएगा। आपके लिए पता है कि जो भी हमारे केआरजे से जुड़े हुए हैं उनके लिए डाउट सेशन होता है वीकली 2 डेज, आपको हर सब्जेक्ट का डाउट क्लास मिलता है, उस डाउट क्लास में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा या आपके डाउट को सुना जाएगा। तो इसके लिए आप निफिक्र रहिए, आपका जो भी डाउट हो, जो भी कॉमन नेम हो, जो भी आईपेक नेम हो, आप टीचर से शेयर कर सकते हैं और टीचर आपको बता सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर बाहरी हो तो हमें मेल कर सकते हैं, उनको भी समझा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक दो कंपाउंड है उस पर भी चर्चा कर लें। तो देखो एक कंपाउंड है एरोमेटिक, हम यहां चर्चा कर रहे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। तो देखो एरोमेटिक के केस में क्या होगा, यानी कि बेंजीन डेरिवेटिव का हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर कंपाउंड है ये सी डब्ल्यू एच। देखिए इसका आईपेक और कॉमन नेम दोनों में हम एक ही यूज करते हैं, वो होता है बेंजोइक एसिड। ये दोनों के लिए एक ही कंपाउंड का यूज कर रहे हैं हम, वो है बेंजोइक एसिड। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ कुछ और मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी भी इसको बेंजोइक एसिड यूज कर रहा है, आप देख लीजिएगा आपके बुक में टेबल में ऐसा दिया हुआ है। एक और कंपाउंड है जो बार बार आपके सामने आएगा, वो कंपाउंड होता है थैलिक एसिड, इसी को हम थैलिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम कॉमन और आईपिक दोनों आपको याद रखना है। तो देखो अगर हम इसके आईपिक नेम पर चर्चा करें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। अब इसका नाम भी आप उसी तरह लिखते हैं जैसे कि आप एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़े थे कि किसी में काउंट करना है और किसको काउंट नहीं करना है। तो आप जहाँ पर एल्डिहाइड चैप्टर का नोमेनक्लेचर पढ़े थे उस वीडियो को जाके एक बार फिर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के दौरान कभी आप फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं और कुछ में आप फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते हैं। जहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते थे वहाँ पर आप कार्बल्डिहाइड यूज़ करते थे। उसी तरह यहाँ पर आप गौर कीजिए कि काउंट करने के दौरान आप इस सी डबल वैच को साइड कर चुके हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो इसके नाम में हम क्या लिखेंगे, ये पूरा ग्रुप बेंजीन आ रहा है तो आप इसका नाम लिख देते हैं बेंजीन, और टोटल क्या 1 और 2 यानी कि 1 और 2 पर कार्बोक्सिलिक है तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका आईपेक नेम हो जाता है बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इस नाम से इसका पॉपुलरिटी कम है, इसका पॉपुलरिटी ज़्यादा है थैलिक एसिड के नाम से। मतलब इसको हम याद रखेंगे थैलिक एसिड के नाम पर ही, अधिकांश जगह क्वेश्चन में आपको थैलिक एसिड ही मिलेगा।
जैसे आप थैलल्डिहाइड पढ़े थे एल्डिहाइड के सेक्शन में, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इसको थैलिक एसिड। तो देखिए ये दो कंपाउंड आपको याद रखना जरूरी है, एक बेंजोइक एसिड दूसरा थैलिक एसिड। जब आप रिएक्शन पढ़िएगा इस चैप्टर का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये दो कंपाउंड आपको बार बार दिखेगा। इस कंपाउंड का मतलब इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर बस इतना ही है। इस नोमेनक्लेचर के बाद हम